तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ रोजा करना है तो याद रखें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना नाम और नंबर नीचे कमेंट करें जल्दी जल्दी, और मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ साथ में करते तीसरी या चौथी अफ्तारी। डिग्री का फायदा क्या है? देखिए, डिग्री का ये फायदा होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज? कि आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नई चीजें मिलती हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो वो डिग्री के बगैर भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। किसी को नहीं मिलता, किसी को मिल जाता है। ये लेके भैया बगैर डिग्री का पख्तूनों का पहला व्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दूसरा रोजा मुबारक, और रोजे के साथ साथ आपको दिखाता चलूं यार, हाय 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 माशाल्लाह। ये मौसम जरा देख ले यार, इससे पहले बारिश बरस रही थी, अभी दोहर पड़ा हूँ और माशाल्लाह वेदर आप लोग देख लें। तो आज रोज़े का मज़ा आने वाला है। चलें तैयार होते हैं और तैयारी के बाद हम निकलते हैं। ठीक है यार। दानियाला और बुलाओ का। जल्दी कर, जल्दी, शाबाश। नंगे हजरात, आपका रोज़ा है? कितना रोज़ा है? बड़ा रोज़ा है? कितना बड़ा? पति नहीं है? पति नहीं है? पति खुश था, पक्की जित क्यों को रखा ना। और ये देखे जनाब मेरा बेटा। ओए क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हो? तू क्या कर रही हो? हैं? शाबाश। क्या ले भाई? ऑल गुड। क्रिकेट? हाँ। सुफियान क्या हाल है? ठीक हो? स्कूल गए थे? हाँ। मजा आया था कि नहीं? आपका रोजा है? हाँ? रोजा है? हाँ। नहीं, मैं कल आपका अरहम, आपका रोजा है भाई? हाँ। इधर देखो आपका रोजा है। तो अभी खाना कौन कर रहा था? तो कि मैं, और रोजा भी है। शाबाश। रमजान का दूसरा दिन और क्रिकेट बच्चों के साथ। चले आ जाए। सुप्यार को देखो, लड़के आ रहा हूँ, लड़के से। ओए ओए देख। रोजा है? ज़िंदगी में कितने रोजे अभी तक खाए आपने? यारा याद नहीं। मेरी बहुत रोजे खाए हैं। हाँ। पढ़ी हूँ। माना चलता हूँ पढ़ी। ज़्यादी मासन थोड़ी की। तो जनाब बारिश आप देख लें, और खानगुल और दानियाल के इंतजार हो रहा है, क्या करें? ये छोटे होते हैं आजकल, और ये छोटों का काम होता है। शाबाश। चले जी, लेट्स गो हबीबी। तो कैसा पार्ट 2? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चले जी, टूवर्ड्स TKR 3 और TKR 1। माशाल्लाह मौसम बहुत ही बेहतरीन है। खान कुल का रोजा बताया कैसा रहा गुजरा? मजा आया था? बिल्कुल माशाल्लाह, कल का रोजा का तो पता ही नहीं चला था, क्योंकि मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। क्योंकि आप 3:30 बजे उठे थे? नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। मौसम बहुत अच्छा था। और आज के मौसम के हवाले से क्या कह रहे हो? तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि रोजा है कि नहीं। यार आने वाला मौसम है कि नहीं है? यार आने वाला ना सब माहौल वाला मौसम, माहौल वाला मौसम है। लेकिन तू बता कैसा था दिन कल? बहुत अच्छा था। और आज वर्कआउट कैसा जा रहा है? वर्कआउट तो बहुत बेहतरीन जा रहा है। कल भूख लगी थी कि प्यास? कुछ भी नहीं। क्या बात है। सबको मैसेज देंगे कि अपना वर्कआउट का लाजमी ख्याल रखा करें। और समोसे पकोड़े भी खाए? ना ना ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल भी ना खाया। अच्छा। TKR में अफ्तारी करना चाहते हैं, और वो भी फ्री में, और वो भी मेरे साथ, तो भैया ऑप्शन दे रहा हूँ, वीडियो में अपना नाम और नंबर कमेंट करें। इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग होगा आप में से एक बंदे को मैं सेलेक्ट करूँगा, और ख़ासकर यूट्यूब की वीडियो पे। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाएँ, वहाँ पर कमेंट करें, और इंशाल्लाह आपको मौका मिल सकता है कि कल हम साथ अफ्तारी करें, वो भी बिल्कुल फ्री। बारिश इंजॉय करने।
बचत हो गई है। पानी आ रहा है यहाँ से अभी जो सारी चीज़ें जितने टेबल लगेंगे सारे बैले जितने जगह का अभी बारिश कर रहे रमज़ान हो तो ऑब्वियसली टाइम देना चाहिए, कम अज़ कम एक बार तो बंदा कुरान शरीफ ख़त्म करे। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आप सबको ये मैसेज है कि प्लीज़ आप भी कोशिश करें कि एक बार ज़रूर ख़त्मुल कुरान आप लोग करें। जज़ाकअल्लाह खैर। वैसे रेनी वेदर तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक इशू होता है कि आउटडोर पर बैठना मुश्किल हो जाता है। अभी भी बारिश बरस रही है और बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, लड़के। तो लेट्स सी कि अफ्तारी के वक्त क्या सीन्स होते हैं। क्या बात है यार, वहाँ पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सऊदी एम्बेसी मेरा दूसरा घर है और हर रमज़ान सऊदी एम्बेसी से गिफ्ट वगैरह आते रहते हैं। माशाल्लाह ये देखिए सऊदी डेट्स जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और ये हर रमज़ान ये लोग भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच सऊदी अरब की जो एम्बेसी है। प्यार मोहब्बत ही अलग लेवल पे है और हर रमज़ान हर ईद में ये लोग कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सऊदी एम्बेसी, शुक्रान लग जजाकल्ला अल्फ खैर। अब देखिए जो रील्स और जो व्लॉग्स आप ठीक यार पे देखते हैं तो उसके पीछे इन बंदों का हाथ है। छोटे छोटे बच्चे लेकिन काम इनका कमाल का होता है, लेकिन ये खैर फिर भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा। जिस तरीके से मैं व्लॉग बनाता हूँ उसको एडिट करता हूँ, ये पता नहीं डिग्री वगैरह भी ले रहे हैं व्लॉगों का। किस चीज़ का डिग्री ले रहे हो आप? मेरा मीडिया साइंस की डिग्री है। मीडिया तो फायदा क्या है मीडिया साइंस में? आप लोगों को क्या पढ़ाते हैं कि आपने व्लॉग में क्या क्या बोलना होता है, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए? हमें एडिटिंग सिखाते हैं ना कि एडिटिंग आपने किस तरह करनी है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें आप डाल सकते हैं एडिट्स में, तो बस वो चीज़ें। अच्छा, इस पर आप पैसे भी देते हो? पैसे भी देते हो और टाइम भी अपना वेस्ट करते हो? वेस्ट तो नहीं, वेस्ट तो नहीं होता, लेकिन सीखते हैं ना। अच्छा, ये एडिटिंग मैंने खुद सीखी है। हाँ, क्या क्या करना है व्लॉग्स में, नए नए एडिटिंग? तो ये तो मैंने, तो डिग्री का फ़ायदा क्या है? देखिए डिग्री का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़? कि आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नई चीज़ें मिलती हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो वो डिग्री के बगैर भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो आपकी लक पर डिपेंड करता है। किसी को नहीं मिलता, किसी को मिल जाता है। ये लेके भैया बगैर डिग्री का पुख्तनों का पहला व्लॉगर। चले क्रिकेट खेल। तो आज इरादा किया हुआ है कि थोड़ा सा क्रिकेट भी खेलते हैं। यार बचपन में जब रोजे से पहले टाइम मिलता था तो खेलते थे क्रिकेट बरखेला की गलियों में, और आज इधर खेलते कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा चक्की शक्के मारे आ जाए। चले जी बुलाओ शॉट। बहरान शुए अल्लाह कुर्बान दे सलाम अलैकुम। ये हमारे भाई धीर से आए माशाल्लाह। रो रहा धीर की रकम जी वाड़ाई धीर वाड़ा वाले तो ढेर सलाम ना हर कले रो ठीक यार था और अल्लाह तो खुशहाल है कौमी बीच रुजमा दे बदला फोन देर गिरा। ओए यार भी बारिश शुरू हो गई है। हाँ क्या करें, अब इसको एंजॉय करें, ज़िंदगी के हर लम्हे से मज़े लें। ज़िंदगी जो है ना 2-3 दिन की ज़िंदगी है, किसी को तकलीफ ना दें, बाकी ज़िंदगी से मज़े लें। चले ये बाबर आजम वाला शॉट। ओए बागो नारा ले वो दे बोला था इसको के बस कर तो गिर गया उधर कपड़ी भी इसका कड़ी शादा। चले तीसरा
आप भी आ जाओ। मैं वो सर दो मैं बोल रही क्रिकेट खेलना है तो खान गुल वाला हेलमेट भी पहनना है क्या खान वाला तो दूसरी अफ्तारी में दो तीन मिनट रह रहे और आज तकिया खान जो है ना उसको भूख लगी है। खान गुल बताओ, दिल से बताओ, भूख लगी है कि नहीं? खतरनाक भूख लगा है भाई। और वजह क्या है? रोजा नहीं गुजर रहा, कितना बड़ा दिन है। मसला ये है कि गर्मी में बंदे को प्यास लगती है। आज खान गुल के हालात भी ख़राब है, दानियाल की भी, और अगर हकीकत जाने तो मेरे भी थोड़े बहुत, क्योंकि जब ठंड होता है ना तो फिर आपको भूख लगती है बहुत। तो अब जा रहे हैं ऑफिस में, ऑलरेडी अफ्तारी तैयार है, आप लोग को लेके जाते हैं, अफ्तारी आप लोग के साथ करके आ जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस बंदी के साथ हमने अफ्तारी करनी है, चले जी। और ये देखें, हम हैं डाइट पे लेकिन फिर भी समोसे पकौड़े खान साहब के लिए आए हुए हैं। नहीं, हमारे लिए नहीं, खान गुल के लिए। खान गुल के लिए, खान गुल लगाएगा। हाँ, ये उसके लिए अकेले में। और ये है मेरी अफ्तारी, तो इसमें आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी, ये स्पेसिफिक मुझे बताया गया कि ये चीज़ें आपने खानी है, तो उसके साथ हम करेंगे अफ्तारी। हम भी इसके साथ गुनाह में पूरा शरीक है। ये भी कहा है, हमें भी किनार है, खुदा के बंदे हमें तो कोई चीज़ खिलाओ ना, हम तो डाइट पे नहीं है। तो ये था हमारा दूसरा रोज़ा। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ रोज़ा करना है तो याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना नाम और नंबर नीचे कमेंट करें जल्दी जल्दी, और मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं साथ में करते तीसरी या चौथी अफ्तारी। तो कल के लिए अल्लाह हाफिज़।